एंटिटी 303। आपने इस एंटिटी का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एंटिटी है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एंटिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये आपको सिर्फ एक ही हिट में मार भी सकती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हीरोब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल है। एंटिटी 303 की हीरोब्रेन से फाइट भी हुई थी, जिसमें हीरोब्रेन मारा गया और एंटिटी 303 जीत गई। एंटिटी 303 पहली बार देखी गई थी 2013 में, जब कुछ लोग प्राइवेट सर्वर में आराम से माइनक्राफ्ट को खेल रहे थे, तभी उनके घरों में आग लग जाती है। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये आग किसी दूसरे प्लेयर ने लगाई होगी। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत पूछताछ की, तब उनको पता चला कि ये आग एंटिटी 303 ने उनकी इन्वेंटरी को यूज़ कर लगाई थी, और उसी के बाद से एंटिटी 303 बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। एंटिटी 303 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी एंटिटी है। अगर ये आपकी वर्ल्ड में होगी तो आपको जगह जगह पर हेल्प के साइन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे। और गाइस, हो सकता है कि आपके घरों में आग भी लग जाए। और गाइस, अगर आपकी वर्ल्ड में एंटिटी 303 होगी तो वो आपको एक सेकेंड में मार भी सकती है। एंटिटी 303 के सबसे ज़्यादा मिलने के चांस रात को 3 बजे है। यस गाइस, अगर आप माइनक्राफ्ट को रात को 3 बजे खेल रहे हो तो मत खेलो, हो सकता है कि आपको एंटिटी 303 दिख जाए। बहुत सारे लोग इसी वजह से माइनक्राफ्ट को रात को 3 बजे नहीं खेलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एंटिटी के दिखने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एंटिटी 303 आपको एक ही सेकंड में मार भी सकती है। किसी को नहीं पता कि एंटिटी रात के 3 बजे ही क्यों आती है, लेकिन ये बात सच है कि एंटिटी रात को 3 बजे ही आती है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।